हाय माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फुल लेयर हेयर कट। ये जो हमारी कस्टमर आई थी, उनका हेयर काफ़ी टाइम से इन्होंने कट नहीं कराया था। इनकी बेबी हुई थी फिलहाल में ही और बहुत हेयर फॉल भी हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि मैम कोई ऐसा कट दीजिए जिससे बहुत सुंदर भी लगे और मतलब हेयर भी वॉल्यूम भी अच्छी दिखने लग जाए और ज़्यादा हेयर भी ख़राब ना हो। जैसे कि स्टेप एडवांस लेयर कट में, जैसे जो लोग हमेशा ओपन हेयर रखते हैं या फिर हमेशा उनको कुछ काम से बाहर वगैरह जाना रहता है, उनके लिए एडवांस स्टेप एडवांस लेयर ये सब कटिंग अच्छी होती है। बट हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा हमेशा बालों को बांध के रखना है, तो उसके लिए मैंने इनको फुल लेयर हेयर कट दिया था। तो किस तरीके से कट किया सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, हेयर कट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनके क्लिप्स निकाल ले रही हूँ, उसके बाद से मैं इनको कटिंग शीट लगा लूँगी, उसके बाद से मैं इनके बालों को गीला करूँगी और अच्छे से सुलझाऊँगी, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने तो कटिंग शीट वगैरह लगा दी। अभी इनके बाल को गीला करना है और अच्छे से सुलझा लेना है। ओके, जब तक आपके बाल अच्छे से सुलझ ना जाए तब तक आप अच्छे से बालों को सुलझाएंगे। ओके, जब आपके बाल अच्छे से सुलझ जाए, ये लेयर हेयर कट है, बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रंट से भी मैं इनका हेयर दिखाने वाली हूँ, तो देखते रहिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो अच्छे से सुलझा लेना, थोड़ा सा इनके बालों में बहुत मतलब टेंगल्स थी, बाइक से आई थी ना तो बहुत उलझ गए थे इनके बाल, तो इसलिए सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। उसके बाद आपको क्या करना है, मिडल पार्टिंग कर लेनी है बालों की, हाफ हाफ इस तरीके से हाफ हाफ पार्टिंग कर लेनी है। और एक साइड के बालों को फ्रंट साइड में कर देना है और दूसरी साइड के बालों को, जिधर के बालों को आपको कटिंग स्टार्ट करनी है वो बैक साइड में रखना है। उसके बाद अच्छे से इस तरीके से कॉम कर लेंगे। ओके, इसके बाद कॉम करने के बाद से आपको यहाँ से इस तरीके से थोड़े से लेयर लेने हैं फ्रंट साइड से और एकदम नोज के सीध में ले जाके कुछ इस तरीके से कट करना है। बहुत ही प्यारा लेयर आएगा आपके बालों में। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट कॉम करके एकदम लेके जाएंगे। थोड़ा सा और गीला कर लेते हैं बालों को, गीले बालों में कटिंग अच्छी आती है इसलिए बालों को गीला करके कट करते हैं। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट कॉम करके लेके जाएंगे। ओके, ये देखिए एकदम नोज के सामने ले जाके हेयर को कट कर देना इस तरीके से। अब इसी गाइडलाइन को ले लेके, जो हमारा नीचे का जो शोल्डर के पास का गाइडलाइन आया है उसको ही ले लेके पूरा हेयर को पूरा ऐसे स्ट्रेट कॉम करके लेके जाएंगे। कर्ली बालों में भी ये वाला हेयर कट कैसा लगता है वो वीडियो मैंने एक दो दिन पहले डाली है, तो प्लीज़ चेक कर लेना। तो इस तरीके से स्ट्रेट लेके जाएंगे सामने और जैसे ही आपका जो पहले आपने कट किया था वो गाइडलाइन नीचे आती है, आपको वहाँ से हेयर को कट कर देना है। ओके, इस तरीके से, इसी तरीके से पतली पतली लेयर लेनी है। कस्टमर आ गए थे तो मैं गेट खोलने चली गई, तो फिर मैंने इतने सारे हेयर उठाए और इसको स्ट्रेट नोज के सामने एकदम कॉम करके लेके जाएंगे इस तरीके से। ओके, और फिर ये देखिए जैसे ही आपका हेयर निकलता है आपके हाथ में से, जो कटिंग का पहले कट गए थे वो हेयर निकलते ही वहाँ से आपको एक्स्ट्रा हेयर कट कर देने हैं। इसी तरीके से पूरे हेयर्स को कट करेंगे, फिर से इस तरीके से लेयर लेनी है और एकदम नोज के सामने लेके जाएंगे इस तरीके से। और जैसे आपने पहले कट किया था वो हेयर आपके फिंगर से निकलेंगे और वहाँ से आपको और हेयर कट कर देने हैं। बहुत ही प्यारा लेयर आएगा, क्लच लगाते हो तो आपके आपको इसमें स्टेप भी दिखते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर जो बाकी बचे हुए हेयर हैं उनको भी आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब पूरे हेयर को ले लेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे। जो हमने हाफ पार्टिंग की थी उसमें से जो हेयर बचे थे उसको पूरे हेयर को एक साथ लेंगे, नोज के सामने लेके जाएंगे। आप देखिए कितना कम लेंथ निकला है इनका,
और उसके बाद कुछ इस तरीके से कट कर देंगे। ओके, अब देखिए दूसरी साइड का कैसे कट करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे। अब जैसे हमने फ्रंट का हेयर कट किया था, मैं इनका फ्रंट से भी फेस दिखाने वाली हूँ, उस तरीके से कट करेंगे। कैसे कट करना है आपको फ्रंट से, ये देखिए कितना प्यारा सा कट आया है। फ्रंट से इस तरीके से पार्टिंग लेंगे थोड़े से हेयर की, और जो हमारा यहाँ का गाइडलाइन था उसके साथ इसको मिक्स करेंगे, और ये देखिए गाइडलाइन निकला, उसके पास से ही एकदम कट कर देंगे। फिर सेम इसी तरीके से जैसे हमने इस साइड के हेयर को कट किए थे, सेम उसी तरीके से लेयर्स लेते जाएंगे और नोज के सामने लाके एकदम कट करते जाएंगे। फिर बैक से कैसे कट करना सब कुछ देखने को मिलेगा आपको वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में आपको कुछ भी सीखना होगा गाइस प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से पूरे हेयर्स को कट करते जाएंगे, बहुत ही प्यारा कट आने वाला है, और मैं बाद में इनके बालों में क्लिप भी लगा के दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट नोज के सामने एकदम लेके जाएंगे। टैंगल रिमूव करनी बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से पकड़ें और इस तरीके से कुछ कट कर देना है। ओके, देखिए कितना प्यारा कट आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा गाइज कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी अच्छे से अपनी वीडियोज़ में सुधार ला पाऊँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ आप लोग को। तो ये देखिए इस तरीके से एकदम नोच के सीधे लेके आए, गाइडलाइन आपको दिख रही है पतली पतली, उसके अकॉर्डिंग हेयर को कट करते जाना है। ओके, सारे हाँ गाइज, मैं अपने वेडिंग सीजन चल रहे, तो वेडिंग हेयर स्टाइल, वेडिंग मेकअप, सिंपल मेकअप, दुल्हन की भाभी बहनों के लिए मेकअप सब कुछ बताती हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा। और अदर टाइप मेकअप भी, जैसे डिफरेंट टाइप मेकअप, तो इस तरीके से कट करते जाएंगे। और दुल्हन की भाभी बहनों के लिए मेकअप, सिंपल मेकअप, गर्ल्स के लिए मेकअप, फेयरवेल पार्टी के लिए मेकअप सब कुछ बताती हूँ। और वैक्सिंग कैसे करें, अंडर आर्म वैक्सिंग, हैंड वैक्सिंग, लेग वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्सिंग सब कुछ बताती हूँ, तो सब कुछ जरूर चेक कीजिएगा। और पार्लर से रिलेटेड जो भी चीज़ें काम होते हैं सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कट आया, कितना प्यारा कट आया है ना, और ये देखिए साइड से कितने लेयर्स अच्छे से निकल के आ रहे हैं। अब सारे हेयर को बैक साइड में करेंगे, तो इस तरीके से बैक साइड में हेयर को, पूरे भी हेयर को बैक साइड करेंगे और अच्छे से थोड़ा गीला कर लेंगे, और फिर फिनिशिंग देंगे इनके हेयर में, जो भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा वो बैक साइड से फिनिशिंग कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से फिर से हमने कॉम कर लिया हेयर को, अच्छे से सुलझा लेंगे। बैक से ये डीप यू टाइप में दिखता है, फ्रंट से आपने देखा किस तरीके से दिखता है, और तो जब आप क्लच लगाओगे तो लगेगा कि आपने स्टेप कटिंग करवा रखी है, कुछ टाइप से दिखेंगे। ओके, तो आप ये वाला हेयर कट दे सकते हो, जिसके भी हल्के और स्ट्रेट हेयर हैं उन पर बहुत प्यारा लगता है ये वाला हेयर कट। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा हेयर थे जो बेकार दिख रहे थे उसको हमने इस तरीके से कट करके फिनिशिंग दे दिया है। तो आपने फ्रंट का लुक देखा, ये बैक का लुक है, और मैं इनको अभी क्लचिंग करके दिखा देती हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप दोबारा से कट कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप क्लच करते हो तो भी बहुत प्यारा लगेगा, और पोनी बनाओगे तो भी अच्छी लगेगी, हाई पोनी पे भी अच्छी लगेगी, कोई हेयर स्टाइल बना रहे हो फिर बैक से ओपन रखना है तो भी बहुत प्यारा लगेगा। ओके, क्लचिंग करने के बाद से कुछ ऐसा दिखेगा, और जब हेयर सूख जाएंगे तो और भी प्यारे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। मैं लाइव आके भी ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में सब बहुत कुछ बताती हूँ, और नाइट में 8:30 बजे मैं लाइव आती हूँ, अगर हो सकेगा तो आज रात को भी मैं लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ चेक कर लेना गाइस। तो ये था फाइनल लुक। ब्राइडल मेकअप वगैरह सीखना हो, सेल्फ हेयर कट भी मैंने डाला हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले अपना हेयर कट किया था तो वो भी डाल दिया है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा गाइस। I
लोगों को आपको इनकी कटिंग अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, हेयर कट भी समझ में आ गया होगा। और मैं अपने चैनल पर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेयर कट बताती रहती हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बहुत सारी मेकअप की वीडियो, वैक्सिंग की वीडियो, पार्लर से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ मैं अपने चैनल पर बताती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बाय बाय, बाय गाइज।